हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वेन डायग्राम, जी हाँ वेन आरे देख रहे थे, और इसका पार्ट वन यानी कि टाइप वन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसका टाइप टू हम लोग आज देखने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज इसका टाइप टू खत्म हो जाएगा और इस तरह से हम लोग ये वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस फ्रेंड्स, आप वीडियोस में इन तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप टू क्वेश्चन नंबर 1-5। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1-5। टाइप टू का 1-5 में क्या लिखा गया है। देखिए, तीन तरह का फिगर दिया गया। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको मैनेजर दिख रहा है, जो 30 यहाँ पे मैनेजर है। ये सर्कल में आपको सिंगर दिया गया है, और ये ट्राइंगल में आपको लेडीज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 4 के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये 4 वैसी महिला है जो सिंगर भी है और मैनेजर भी है। ये 16 क्या है, तो ये हमको सिर्फ लेडीज दिख रहा है, ना तो ये सिंगर है ना ही ये मैनेजर है। ये 12 क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो ये हम लोग सिंगर भी है मैनेजर भी है। ये 7 क्या दिख रहा है, तो ये हम लोग का लेडीज है लेकिन सिंगर है। ये 35 क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर है। तो देखिए, क्वेश्चन 1-1 हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में हमको लिखा गया है, बोला ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है। मतलब ऐसी लेडीज की संख्या बताना है जो सिंगर भी होना चाहिए और मैनेजर भी होना चाहिए। तो मतलब लेडीज भी होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए, मैनेजर भी होना चाहिए। तो बोलेंगे फ्रेंड्स, ये होगा 4। देखिए, आपको लेडीज भी दिख रहा, सिंगर भी दिख रहा और मैनेजर भी दिख रहा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, बोला ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो स्त्री है, यानी ऐसे मैनेजर की संख्या बताना है जो महिला है। मैनेजर जो महिला है, तो मैनेजर महिला कौन दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे 4 है, क्योंकि मैनेजर भी है, मैनेजर भी दिए है हमको, रेक्टेंगल भी दिख रहा और महिला भी हमको ट्राइंगल में दिख रहा। हालांकि ये सिंगल भी है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि केवल हम लोग को बोला है कि मैनेजर और लेडीज होना चाहिए। तो मैनेजर लेडीज में हमको 4 आएगा। हम अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग ये मैनेजर नहीं है, यानी कि हम लोग का आंसर सिर्फ 4 होगा, जो कि हमको मैनेजर भी दिख रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा और ट्राइंगल में भी आ रहा, जो कि लेडीज भी है। मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 होगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नंबर 3 में क्या लिखा फ्रेंड्स, तो बोला ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सिर्फ गायक है, मतलब ओनली सिंगर होना चाहिए। तो ओनली सिंगर में कौन दिख रहा, 15 दिख रहा, यानी कि वैसे व्यक्ति, यानी कि वैसे व्यक्ति, यानी कि ये वैसा पुरुष है जो सिर्फ सिंगर है, मतलब 15 होगा, 15। अब 15 हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 में लिखा गया ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो सिर्फ गायक है, यानी ऐसे मैनेजर की संख्या बताइए जो सिर्फ सिंगर होना चाहिए। तो ऐसा कौन दिख रहा फ्रेंड, देखिए आप 12 को देखिए, ये मैनेजर भी है और सिंगर भी है, मतलब वो लेडीज नहीं है। इसका कहने मतलब है जो मैनेजर होना चाहिए और सिंगर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे वो लेडीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हिसाब से मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 12 होगा, मतलब आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ये ऑप्शन नंबर होगा ये ई हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग ये 5th नंबर क्वेश्चन लिखा गया, 5th नंबर क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया कि ऐसे गायकों की संख्या जो ना तो स्त्री है और ना ही प्रबंधक है, यानी ऐसे गायकों की संख्या सिंगर ना तो लेडीज है और ना ही मैनेजर है, तो बोलेंगे 15 होगा, 15 नंबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी, और इस तरह से मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड, क्वेश्चन 6-10। देखिए, 6-10 में क्या लिखा गया, यहाँ पे 3 अलग अलग फिगर हम लोग को दिया गया है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम लोग आर्टिस्ट को बता रहा, कलाकार को बता रहा, जो ट्राइंगल है ये डॉक्टर्स को बता रहा, और जो सर्कल है हम लोग प्लेयर्स को बता रहा, मतलब खिलाड़ी को बता रहा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमको लिखा गया 6 में लिखा गया, बोला ऐसे कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, मतलब डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। देखिए 3 को नजर में देखिए, देखो 3 जो है ये डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार है, यानी तीनों फिगर में आ रहा है। मतलब आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3।
थ्री मतलब बोले ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास ये सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास ये सी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा गया कितने कलाकार खिलाड़ी है, यहाँ पे केवल कलाकार खिलाड़ी नहीं बोला, कितने कलाकार खिलाड़ी। देखिए यहाँ पे ये जो बाइस जो है ये हम लोग का क्या है, तो हम लोग का कलाकार भी है, कलाकार भी और खिलाड़ी भी है, ये बाइस है कलाकार और खिलाड़ी दोनों है। तीन को अगर देखेंगे तो ये भी कलाकार और खिलाड़ी है, क्योंकि हमको केवल कलाकार खिलाड़ी नहीं बोला, केवल कलाकार खिलाड़ी बोलता तो आंसर 22 होता, लेकिन कलाकार खिलाड़ी बोला है तो हम बोलेंगे 22 भी होगा और 3 भी होगा, यानी 22 और 3 25 होगा, तो 22 और 3 25 ऑप्शन में हमको सी दिखेगा, मतलब बोलेंगे 22 होगा और प्लस 3 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 25 होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 में लिखा कितने कलाकार ऐसे है जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही डॉक्टर है, मतलब खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए मतलब सर्कल में नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर नहीं होना चाहिए मतलब ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ आर्टिस्ट होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, जो हमको दिख रहा 30 नंबर, तो 30 हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है डी नंबर दिख रहा। नेक्स्ट आएगा 9 नंबर, देखिए 9 में लिखा गया कितने डॉक्टर है जो ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार, मतलब डॉक्टर होना चाहिए खिलाड़ी कलाकार नहीं होना चाहिए, बोलेंगे 27 होगा, जो सिर्फ डॉक्टर है ना ही ये खिलाड़ी है और ना ही ये कलाकार, 27 होगा मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट आएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर आएगा 10, देखिए 10 में क्या लिखा हुआ है, बोला कितने खिलाड़ी है जो ना तो डॉक्टर ना ही कलाकार, मतलब खिलाड़ी होना चाहिए डॉक्टर कलाकार नहीं होना चाहिए, बोलेंगे 30 नंबर होगा, जो कि आर्टिस्ट है खिलाड़ी है हम लोग का, जो हम लोग का बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो तो ना ही डॉक्टर ना ही कलाकार, मतलब सिर्फ खिलाड़ी होना चाहिए, तो सिर्फ खिलाड़ी कौन दिख रहा फ्रेंड्स, 25 जो सिर्फ खिलाड़ी है ना ही वो कलाकार है ना ही डॉक्टर, मतलब 25 होगा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, और इस तरह से मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि इस आरेख में ये एक सर फिगर दिया गया फ्रेंड, 3 सर्कल है, ये हम लोग का क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, ये हम लोग का हॉकी प्लेयर है, यहाँ पे तीनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, और इस तरह से ऑप्शन दिया गया, हमसे पूछा गया इन आरेख में 100 विद्यार्थी मित्र भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्रिकेट नहीं खेलते मतलब ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सर्कल जो क्या होगा, ये मेरा पूरा पूरी हट जाएगा, ये सर्कल पूरा पूरी हट जाएगा, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेलता है, फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो फुटबॉल और हॉकी खेलता है मतलब दोनों खेलता है, दोनों खेलने वाला कौन प्लेयर है, ये 5 है जो कि दोनों में मौजूद है, तो ऐसा ऑप्शन हमको डी दिख रहा है, इसलिए फाइनली आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 में क्या है कि ये 4 तरह का फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, तो ये जो हम लोग का ट्राइंगल है इसमें सारे गर्ल्स विद्यार्थी को शो कर रहा, सर्कल जो है हेल्दी विद्यार्थी को बता रहा, ये हम लोग का रेक्टेंगल है, जो हम लोग का ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो दिख रहा ये बॉयज को बता रहा, और ये स्क्वायर हम लोग का डिसिप्लिन स्टूडेंट को बता रहा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन सा अंग प्रदर्शित करेगा, मतलब बलिष्ठ होना चाहिए मतलब हेल्दी होना चाहिए और अनुशासित लड़का होना चाहिए, तो सबसे पहले लड़का होना चाहिए मतलब हम लोग का रेक्टेंगल में आना चाहिए, और अनुशासित होना चाहिए मतलब हम लोग का ये हम लोग का स्क्वायर में आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए, और हम लोग क्या बोला फ्रेंड तो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी मतलब सर्कल में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम लोग ये रेक्टेंगल होना चाहिए, ये रेक्टेंगल होना चाहिए जो कि रेक्टेंगल दिख रहा, यहाँ पे सर्कल भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, और हम लोग का ये स्क्वायर में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कौन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये 2 दिख रहा है, जो कि हम लोग का रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 में हम लोग का यहाँ पे 4 तरह का फिगर दिया गया, ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, और ये भी हम लोग का क्या है ट्राइंगल है, इसमें यह राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फ्रेंड्स हमसे क्या है कि इसमें सभी अलग अलग डिजिट को शो कर रहा है, और हमसे पूछा गया है कि वे अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, मतलब ऐसा डिजिट आपको बता रहा है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे ये 5 है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, ये 3 जो है रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, ये 4 जो है सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, 1 रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है,
ये दो सर्कल में है, राइट एंगल ट्राइंगल में भी है, लेकिन ये जो 5 दिख रहा फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आकृति में है, वो से हम लोग ये रेक्टेंगल में है, ये इसमें हमको ये मौजूद है, और हम आंसर बोलेंगे आंसर हो जाएगा ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे हम लोग का इसमें 1, 2, 3, 4 तरह का फिगर दिया गया है फ्रेंड्स आपके पास। ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो है आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको एक दीर्घवृत्त यानी कि एक सर्कल दिख रहा है, और ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये क्या है, एक ट्राइंगल। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, ये कौन सी संख्या है जो वर्ग में आना चाहिए, वर्ग मतलब इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, वर्ग दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मतलब वो कि सर्कल यानी इसमें आना चाहिए, और ट्रायंगल में आना चाहिए, ट्रायंगल हम लोग को ये है ये इसमें आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा फिगर हमको दिख रहा है, बोलेंगे 7। देखिए यहाँ पे आपको 7 मौजूद है, यहाँ पे 7 आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है जो आपको स्क्वायर में दिख रहा, सर्कल में दिख रहा और ट्राइंगल में दिख रहा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 3 सर्कल दिया गया है, इसमें सारा लेबरियस है, इसमें सारा एजुकेटेड पर्सन है, ये सारा एम्प्लॉई है, यानी एम्प्लॉई मतलब बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या है, एम्प्लॉई मतलब हम बोल सकते हैं नियोजित है, ये क्या है, नियोजित है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और उस चित्र को पहचानिए जो ऐसे परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती, मतलब जो लेबरियस है, ऐसे परिश्रमी जो मेहनती है को दर्शाता है जो नियोजित नहीं है परंतु शिक्षित है, मतलब शिक्षित होना चाहिए और नियोजित नहीं होना चाहिए और लेबरियस होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ऐसा फ्रेंड देखिए एम्प्लॉय यानी कि नियोजित नहीं होना चाहिए, नियोजित नहीं होना चाहिए मतलब ये एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए इसको कट कर देंगे हम लोग एजुकेटेड होना चाहिए और लेवरियस होना चाहिए मतलब परिश्रमी होना चाहिए, तो ऐसा हमको दिख रहा है ये 2 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये 2 दिख रहा है, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा, ये ऑप्शन जो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग वेन डायग्राम टाइप 2 को कंप्लीट किए हैं, और इस तरह से आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में।